अजहा यानी बकरीद पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मुसलमान सुबह सुबह ईदगाह में नमाज अदा की और एक दूसरे को बकरीद की बधाई दिया। बकरीद पर्व को लेकर मधुरापुर, बीरित, बास्कु बिहारी, बलवा, हनुमान नगर, सहरघाट, उत्तरा, पिहवारा, बिशनपुर व तिरमुहान समेत गाँव में लोग हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। लोगों ने कहा कि इस पर्व को कुर्बानी के तौर पर मनाए जाते हैं। इस दिन इस्लाम में कुर्बानी देने से अल्लाह खुश होते हैं और अल्लाह की बरकत लोगों पर बरसती है। मधुबनी परिवहन विभाग के द्वारा सहरघाट में वाहन जांच अभियान चलाकर एक पिकअप वैन को जब्त किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी एनके कुमार ने सहरघाट में वाहन जांच अभियान चलाकर सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना अंतर्गत रामपुर खुर्द निवासी मोहम्मद अफजल शेख की पिकअप चार पहिया वाहन में जरूरती कागजात नहीं रहने के कारण परिवहन विभाग के युक्त पिकअप को जब्त कर सहरघाट थाना के सुपुर्द कर दिया है। 25,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में सहरघाट थाना अध्यक्ष विजय पासवान ने कहा कि जुर्माने की राशि DTO कार्यालय में जमा कराने के बाद वाहन को परिवहन विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार छोड़ा जाएगा। सहरघाट थाना क्षेत्र के सहरघाट राम जानकी चौक के समीप NH 104 के किनारे विवादित जमीन का सीमांकन कराया गया, जहां CO राम कुमार पासवान व सहरघाट थाना अध्यक्ष विजय पासवान की उपस्थिति में सरकारी अमीन सिकंदर कुमार ने माफी कर दोनों पक्षों के बीच सहमति की बात रखी। बताते चले कि विवाद राजकुमार गामी बनाम हरे कृष्ण चौधरी के बीच सीमांकन को लेकर चल रहा था, जिसका माफी कर सीमांकन किया गया। CO श्री पासवान ने कहा कि सीमांकन कर दिया गया है, विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर राजस्व कर्मचारी CR राम प्रसाद समेत अन्य पुलिस बल भी मौजूद थे। मधुवापुर थाना परिसर थाना दिवस के अवसर पर भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई, जहां अंचलाधिकारी राम कुमार पासवान व थाना अध्यक्ष राजकुमार मंडल के द्वारा दोनों पक्ष की बात सुनकर उपलब्ध कागजातों के आधार पर कई मामले का निष्पादन किया गया। शनिवार को आयोजित थाना दिवस पर कुल 14 मामलों पर सुनवाई की गई, जिसमें पुराना 11 और नया 3 मामला था। हालांकि 7 मामलों का निष्पादन किए जाने की बात अंचलाधिकारी ने कही है। जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी राम कुमार पासवान ने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों का 100% निष्पादन का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भूमि विवाद मामलों को कम किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष 2022 में अब तक मधुवापुर थाने में कुल 52 मामले आए, जिसमें 39 मामले का निष्पादन किया गया। शेष निष्पादन मामला न्यायालय अथवा अन्य कारणों से नहीं हुआ है। सुकेशर यादव सर नाम है इसमें चलो ऑटो खींच है सर नवाबी करने आ गया हमारा अकेले दस भाई था उसकी जबरदस्ती अपना सब दखल में हमारा तो अकेला भाई है उसके दखल में था वो भी कमजोर था हम भी कमजोर था इसके बना लिया सब कुछ घर कितना दिन पहले करीब 20-25 बरस का बोलेगा नहीं कोई चुपचाप रहो नहीं तो नाम है तब बोलो हाँ पूछेंगे तब ऐसे रहो अल्लाह नहीं करे सब अपने आया बात 20-25 साल पहले से घर बना लिया है जमीन किसके नाम से है आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।